हेलो ऑल, जैसे कि हमने कल वीसी में लिखा कि हमारे सेंटर पे आईटीआई का फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए मॉक टेस्ट हमें 24 जनवरी को सभी सिस्टम पे मॉक टेस्ट हमें कंडक्ट कराना है, जिसके लिए हमें एग्ज़ाम के लिए सेफ ब्राउज़र इंस्टॉल करना अनिवार्य है और ये ब्राउज़र सभी सिस्टम पे इंस्टॉल होना ज़रूरी है। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उसको यूज़ करना है ये हम देखेंगे, जिसके लिए आपको ये जो वेबसाइट है, ये जो लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लिंक आपको आपके ब्राउज़र में ओपन करनी होगी। इंटरनेट ब्राउज़र में मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये जो वेबसाइट है यहाँ पे ओपन कर ली है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको ये ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इससे पहले हमें ये गाइडलाइन जो भी है एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडलाइन, ये हमें सबसे पहले ये पढ़ लेनी है ताकि हम इसके एग्ज़ाम के जो भी गाइडलाइन है उससे फैमिलियर हो जाए। सबसे पहले ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पे जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द सेफ ब्राउज़र, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र 3.1 फॉर विंडोज, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ब्राउज़र जो है ऑटोमेटिकली डाउनलोड के लिए स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए यहाँ पर मैं कैंसिल कर दूंगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग के लिए स्टार्ट हो गया है। ये डाउनलोड होने के बाद आपको मेन वेबसाइट पे जाना है, उसी के नीचे आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी एग्ज़ाम ब्राउज़र हमें डाउनलोड करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें डाउनलोड कर लेनी है। ये डाउनलोड करने के बाद दोनों भी हम डाउनलोड करके रखेंगे। दोनों भी डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए फिर से डाउनलोड नहीं किया। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले हमें जो एग्ज़ाम सेटअप है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको इंस्टॉल करना होगा हमारे सिस्टम पे। ये इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन नहीं करना है, सिर्फ इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमें एसीबी क्लाइंट सेटिंग जो हमने यहाँ पे मेन वेबसाइट पे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो डाउनलोड की है उसको भी इंस्टॉल करना है। ये दोनों इंस्टॉल होने के बाद आपको आपके सिस्टम में ये यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे आप सर्च ऑल प्रोग्राम में करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन टूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और दूसरा जो है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र। तो सबसे पहले हमें जो है ये सी बी कॉन्फ़िगरेशन टूल जो है उसको ओपन करना है। जैसे भी हम ये सी बी कॉन्फ़िगरेशन टूल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टूल का विंडो ओपन हो जाएगा। जो भी रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन है वो हमें वहाँ पे क्लिक करने हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन टूल डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड या एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो है उस पर कुछ भी नहीं करना है। हमें जो है क्विट और अनलॉक पासवर्ड जो है यहाँ पे सेट करना है। कैसे सेट करेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जो अनलॉक पासवर्ड है यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ये जो पासवर्ड है हमारा जो सेफ ब्राउज़र है उसको क्लोज करने के लिए हमें ये चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे सेट करता हूँ और मुझे ये जो है फाइल में जाके सेव सेटिंग्स करना है। अब मेरा जो पासवर्ड है वो सेट हो गया। अब मुझे एग्ज़ाम ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे ही मैं सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एग्ज़ाम ब्राउज़र का जो लिंक विंडोज है वो ओपन हो जाएगा और एग्जाम ब्राउजर जो है हमारा ओपन हो जाएगा। ये प्रक्रिया जो है हमारे सभी सिस्टम पे हमें करके रखनी है। आप जब पासवर्ड सेट करेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेम पासवर्ड सभी सिस्टम पे सेट करिएगा ताकि वो याद में भी रहेगा और आपको वो आसान रहेगा। अभी मैंने सेफ एग्जाम ब्राउजर ओपन किया है। यहाँ पे ब्राउजर जो है ओपन होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है विंडोज में। उसके ऑथेंटिकेशन जो है हम यस करेंगे। ये जो एग्ज़ाम है टोटली ऑनलाइन होने की वजह से ये पूरा इंटरनेट का हमें जो है स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन हमारे सेंटर पे रिक्वायर्ड है। देखिए जैसे ही सिर्फ एग्ज़ाम ब्राउज़र ओपन हुआ यहाँ पे
स्टूडेंट जो है उनको जो आईडी पासवर्ड दिया प्रोवाइड किया गया है वो डालेंगे और उनका लॉगिन करके उनका एग्जाम कंडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये जो ब्राउजर है इसको हम डायरेक्टली क्लोज नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ राइट साइड में जो कॉर्नर में टर्मिनेशन सेशन का जो बटन दिया हुआ है वेट का, उसे क्लिक करना होगा और जो हमने कॉन्फ़िगरेशन टूल में जो पासवर्ड हमने सेट किया है वो पासवर्ड यहाँ पे हमें डालना होगा। अगर हम कोई गलत पासवर्ड डालते हैं तो वो लेगा नहीं और ये जो विंडो है वो ब्राउज़र है वो क्लोज नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो ऐसे क्लोज नहीं होगा। जैसे ही मैं जो पासवर्ड मैंने सेट किया है वो डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये ब्राउज़र क्लोज होके मैं मेरे जो लैपटॉप है उसके होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। तो ये जो प्रोसेस है आपको सभी सिस्टम में आपके कंपलसरी करना है, जितने भी सिस्टम आपके पास है उन सभी सिस्टम पे दोनों भी चीज़ें आपको कंपलसरी करना है और आपके सेंटर पे मॉक टेस्ट कंडक्ट कर